Yes, dear students, how are you? I am going to explain the future indefinite tense, the passive voices of future indefinite tense. Here, I have written already the rules along with the examples. Example dekhiye, he will sing a song. So first of all, let me how will you identify whether even any given sentence is related to your future indefinite or not. How will you come to know? ये आप कैसे जानेंगे कि कोई भी दिया हुआ sentence future indefinite कैसे है, इसको कैसे आप पता करेंगे? तो future indefinite के पहचान ये होती है कि will दिया रहेगा, shall दिया रहेगा और verb का first form दिया रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि द सेंटेंस इज बिलोंगिंग टू योर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस. इज इट क्लियर? नाउ देखिए एग्जांपल, ही विल सिंग ए सॉन्ग. आपने मैंने रूल लिखा है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है. अब यहां देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस बी थ्री हमने लिख दिया. अब इसको हम चेंज करने जाएंगे, तो इन प्लेस ऑफ ही यू विल राइट ए सॉन्ग. तो आपने यहां लिख दिया ए सॉन्ग. देन यू विल सेलेक्ट विल बी शैल बी. तो विल बी और शैल बी की कहानी मैं आपको समझा देना चाहता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द यूजेस ऑफ विल एंड शैल. एक्चुअली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही विल सिंग ए सॉन्ग. मान लीजिए सपोज दैट देयर इज अ सेंटेंस कि ही विल सिंग ए सॉन्ग. तो विल का यूज आई और वी को छोड़कर जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, नाउंस होते हैं, सबके साथ विल का यूज किया जाता है. सी विल सिंग ए सॉन्ग, यू विल सिंग ए सॉन्ग, दे विल सिंग ए सॉन्ग, सबके साथ. हाँ, आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है. लेकिन इसके अलावा अगर आई और वी के साथ विल का यूज हो गया, तो समझिए कि जो डूअर है, जो स्पीकर है, वो बिल्कुल अपने स्टेटमेंट के लिए डिटरमाइंड है. जैसे सपोज डेट, मान लीजिए राम ने मोहन से कहा कि टुमारो कल आओगे ना घर. मान लीजिए उस राम ने मोहन से पूछा कि कल घर आओगे ना, विल यू कम टुमारो, आर यू श्योर ना विल यू कम टुमारो एट माई हाउस. और उसने कह दिया यस आई विल कम. अगर उसने कह दिया आई विल कम, इट मींस विल इज यूज्ड विथ आई एंड वी, तो इसका मतलब वो श्योर जाएगा. तो विल का इस्तेमाल ये होता है. यहां ये बात करते हैं हम, तो ये सॉन्ग विल बी संग बाई हिम. आपका ये बनकर तैयार हो गया. हम इसी रूल को फॉलो किए हैं. वेरी सिंपल रूल था ये, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वी थ्री. अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव पर हम बात करते हैं. एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वाई विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग. इसका रूल यहां हमने लिख दिया है. ये सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, प्लस विल शैल लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है क्या है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है. हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड दैट व्हाट एवर रूल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एट द ब्लैक बोर्ड, ओनली दीज रूल्स फॉर द पैसिव वॉइस, नॉट फॉर द एक्टिव वॉइस. सो इफ देयर इज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, तो यू विल थिंक दैट दिस सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. तो आप यहां इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वी थ्री लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे. अब इस रूल को जब आप फॉलो करेंगे, तो वाई विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग. यहां लिखा है वाई विल ही नॉट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, फिर लिखेंगे विल, फिर ए सॉन्ग, नॉट बी संग बाई हिम. दिस इज वेरी सिंपल, बिकॉज अर्लियर सिक्स टेंसेज यू हैव चेंज्ड, यू हैव लर्न्ड present three parts, past three parts, so then it will be very easy for you to understand these explanations, these rules will be very easy for you.
अब देखिए हम आ जाते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के लिए एग्जांपल है शैल आई नॉट फिनिश माई वर्क। शैल आई नॉट फिनिश माई वर्क, ये मान लीजिए एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आई और माई वर्क को देखेंगे। ए आई आपका सब्जेक्ट है, ए आई सब्जेक्ट है और यहाँ पे माई वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा माई वर्क, और जब माई वर्क यहाँ जाएगा तो उसके पहले इसकी शुरुआत किससे हुई है, शैल से। तो इसकी पैसिव वॉइस की भी शुरुआत या तो शैल से होगी या विल से होगी, और ये डिपेंड करता है हमारे नए सब्जेक्ट पर। तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। तो माई वर्क के लिए यहाँ क्या लग गया, विल। विल माई वर्क नॉट बी फिनिश्ड बाई मी, यहां आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जनरली वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप अबाउट द रूल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इफ यू आर गोइंग टू चेंज एनी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म, तो देन द हेल्पिंग वर्ब्स विल बी शैल बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। दीज आर द मेन थिंग्स विच यू हैव टू लर्न, यही मेन चीज है जो आपको लर्न करना है। अब आइए कुछ सेंटेंस पे हम बात करें। कुछ हमने यहाँ बनाया है, जैसे विल दे नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का एक्सरसाइज नंबर 1 है। विल दे नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका क्या है, दे। ये आपका सब्जेक्ट है दे, और यहाँ पर देयर होमवर्क ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सब्जेक्ट के लिए। तो विल देयर होमवर्क आपकी स्टार्टिंग होगी विल देयर होमवर्क, क्योंकि रूल आपका क्या बोलता है, रूल आपका बोलता है यहां देखिए कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नहीं इसका रूल हमने कहां लिखाया है, डायरेक्ट का रूल। डायरेक्ट का रूल हमने अभी लिखाया ही नहीं, डायरेक्ट का रूल हमने नहीं लिखाया। बस ये समझिए कि विल दे नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क को आप चेंज करेंगे, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, विल के बाद ये देयर होमवर्क आ जाएगा, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई, फिर देम। इसी तरह सेंटेंस दूसरा है, व्हाई विल सी नॉट कुक हर फूड, तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, फिर विल, फिर हर फूड, नॉट बी कुक्ड बाई हर। इसका तो रूल मैंने हियर आई हैव रिटेन, बट देखिए डायरेक्ट का रूल आपको लिखना है तो सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड सामने से हटा दीजिएगा। ये इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आप हटा देते हैं तो आपका डायरेक्ट का रूल तैयार हो जाएगा। डायरेक्ट का रूल मैं आपको लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप सोचेंगे कि डायरेक्ट का रूल सर ने नहीं लिखवाया। मैं लिख दे रहा हूं इसका रूल, डायरेक्ट का रूल देखिए, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का रूल मैं आप यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूल। ये रूल मैं लिख रहा हूं किसके लिए, डायरेक्ट के लिए, डी आई आर ई सी टी, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव रूल आप लिखेंगे। इसकी शुरुआत होती है विल शैल, किससे शुरुआत होती है, विल शैल। विल शैल के बाद आप क्या लिखेंगे, विल शैल के बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद ये सब्जेक्ट जो होता है यही ऑब्जेक्ट आप एक्टिव वॉइस होता है, नॉट लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, बी, फिर लिखेंगे विथ्री, विथ्री बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, विथ्री बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने यहाँ लिख दिया, फिर आप लगाएंगे यहाँ बाई, फिर यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वही सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ओके डियर गाइस, आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट एवर एक्सप्लेनेशंस आई हैव डिलीवर्ड, ओनली वन टेंस हैज बीन लेफ्ट, एंड आई होप दैट टुमारो श्योरली आई विल प्रिपेयर अ वीडियो। एंड अब जो आपका वीडियो आएगा
वो लिटरेचर पार्ट से होगा, कोटेशन से होगा, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर से होगा। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।